नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोजपा में टूट के बाद जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक ड्रामा देखने को मिल रहा है, इसी बीच में अभी पशुपति कुमार पारस जो कि लोकसभा सदस्य हैं और अभी यहां पर जो पार्टी के अध्यक्ष हैं चिराग पासवान पहुंचे थे, साथ में बिहार के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी यहाँ पहुँचे थे, लेकिन 2 घंटे लगभग इंतजार करने के बावजूद भी यहाँ पर जो चाचा पशुपति कुमार पारस है वो उनसे मुलाकात नहीं की। कहा जा रहा है कि पशुपति पारस जो है 2 घंटे पहले यहाँ से चुनाव आयोग में मुलाकात करने के लिए निकल चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार अब तक कोई भी यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से यहाँ चाचा मौजूद नहीं है और यहाँ पर लगभग 2 घंटे के इंतजार के बाद यहाँ से चिराग पासवान को बेरंग यहाँ से वापस लौटना पड़ा। बता दें, इससे पहले सुबह जब मीडिया से बातचीत करते हुए पशुपति पारस ने बताया था कि किस तरीके से पार्टी में उनकी अनदेखी हुई, कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई, तमाम जो सांसद हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, तमाम लोगों की अनदेखी हुई। इन सब लोगों की अनदेखी होने के बाद ही उन्होंने ऐसा निर्णय लिया था और उनके इस निर्णय से पार्टी के जो 5ों सांसद हैं वो खुश हैं और ओम बिरला से मुलाकात कर जो अपना पत्र सौंपा है उसमें पार्टी में संसदीय दल सदन में संसदीय दल का नेता के रूप में अपना दावा पेश किया। बता दें कि आज सुबह से ही पशुपति कुमार पारस जो यहाँ पर घर है वहाँ पर हलचल देखने को मिली, जिस तरीके से लगातार एक के बाद खबर आई कि पहले पशुपति पारस जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देंगे, लेकिन समय से पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और समय से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के तमाम बातों का जिक्र किया जो उन्होंने कहा था कि संसदीय दल का नेता बनाया जाना है और पार्टी किस तरीके से इस टूट पे मजबूर हुई। उसके बाद जब खबर आई कि पशुपति पारस जो है एकदम कंफर्म हो गया कि अब वो टूट के कगार पर आ गए हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान साथ में बिहार के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजू तिवारी भी यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने उनके मौजूदगी में पहले तो 15 से 20 मिनट तक यहाँ पर कोई गेट नहीं खोलने वाला था, गेट खुला भी अंदर जाने के बाद भी 15 मिनट तक उनको इंतजार करना पड़ा और गाड़ी में ही बैठे रहे चिराग पासवान। उसके बाद बाहर निकलने के लिए कोई भी जो है बाहर लेने के लिए नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि पार्टी में टूट है, वो टूट की खबर अब जो है कन्फर्म हो चुकी है। अब तो इतनी स्थिति तक पहुंच चुकी है जो कि घर की लड़ाई, जो पार्टी की लड़ाई थी वो सड़क पर आ चुकी है, क्योंकि घर का दरवाज़ा तक खोलने वाला कोई नहीं था। पशुपति पारस जो है पहले ही निकल चुके हैं, इसी के लिए कहा जा रहा है कि वो 5ों सांसद से मुलाकात करेंगे, उसके बाद चुनाव आयोग में जाएंगे, चुनाव आयोग में मुलाकात के बाद वो फिर अपने इसी आवास पर आकर यहाँ पर 3 बजे के करीब यहाँ पर प्रेसवार्ता करेंगे। प्रेसवार्ता में उन तमाम स्थिति की जानकारी देंगे जो अब तक पार्टी की टूट से लेकर जो अब तक हो रही है, वो सारी स्थिति की जानकारी देंगे। इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगा न्यूज़ फाउंडेशन अब तक लगातार पहुँचाता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है यह हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।